नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एएसआई को सर्वे के लिए मंजूरी दे दी है। सोमवार से ही परिसर का सर्वे शुरू हो जाएगा। लंबे समय से हिंदू पक्ष ज्ञान व्यापी परिसर के सर्वे की मांग कर रहा था। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। हिंदू धर्म से संबंधित साक्ष्य अब भी वहां मौजूद है। फिलहाल लोगों के मन में ये सवाल भी है कि एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस तरह से ये सर्वे करता है और इससे किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका काम देश की सांस्कृतिक धरोहर का रखरखाव और अनुसंधान करना है। देश के पुरानी इमारतों का जिम्मा एएसआई को ही दिया गया है। 1861 में इसकी स्थापना के बाद से ही विभाग धरोहर को सहेजने में पूरा योगदान दे रहा है। 1958 के संस्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल अवशेष कानून के तहत संबंधित मामलों के रेगुलेशन का भी काम करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सच सामने लाने की कोशिश कर रहा है। ये पुरानी इमारतों में ग्राउंड पेंट्रेटिंग रडार और अन्य आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके पता लगाने की कोशिश करता है कि यहाँ मौजूद समय से पहले क्या हुआ करता था। ज्ञानवापी केस में भी एएसआई ग्राउंड पेंट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा एएसआई की टीम आगे और पीछे सीधी रेखाओं में चलकर पता लगाएगी कि दीवार या नींव में क्या दवा है, कलाकृति कैसी है, मिट्टी का रंग कैसा है, क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है। सभी साक्ष्यों को सहेजने के बाद एएसआई रिपोर्ट तैयार करता है। इसमें समय के साथ हुए बदलावों का भी जिक्र किया जाता है। एएसआई के सर्वे पर सांस्कृतिक मंत्रालय की नजर रहती है। इसके अलावा कोर्ट के आदेश पर भी किए जाने वाले सर्वे की निगरानी कोर्ट भी करता है। बता दें कि एएसआई सर्वे की इजाजत विवादित स्थल को छोड़कर बाकी परिसर के लिए दी गई है। ये सर्वे वजूखाने के अलावा सील इलाके में होगा। वाराणसी की कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के विरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। एएसआई 4 अगस्त को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं इस मामले को लेकर क्या आप लोगों के मन में क्या कुछ सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।